नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरियाली, सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। घरों में विशेष पकवान तैयार करने के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों और मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। सावन मास का हरेला पर्व हरियाली और खेतीबाड़ी का प्रतीक बताया जाता है। शनिवार को केदारनाथ वन प्रभाग के द्वारा इको पार्क में विविध रूप से हरेला पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने किया। साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा स्वागत गीत भी गाया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी, एडीएम अभिषेक त्रिपाठी, केदारनाथ वन प्रयाग के डीएफओ इंद्र सिंह नेगी, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर विष्ट, पूर्व विधायक कुंवर सिंह नेगी, बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा रावत, नंदन बिष्ट, ब्रह्म कुमारी बहन किरण आदि मौजूद रहे। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में स्वर्गीय चितरंजन रहा राजकीय इंटर कॉलेज परिसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हरेला पर्व के पावन मौके पर प्रकृति को हरा भरा करने एवं संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा दिनेशपुर क्षेत्र के सामाजिक संगठन पवित्र क्लब के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर में भी पौधारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। दोनों कार्यक्रम में दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम सभ्यता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि किसी भी शुभ मौके पर एक पेड़ लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन हम इस पर्व को दोबारा से मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं ताकि इस तरह की परेशानी ना हो, वातावरण स्वच्छ रहे। पर्व पर मैं पूरे दिनेशपुर वासी एवं क्षेत्र वासी सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस हरेला पर्वत पर सभी पेड़ लगाएं और अच्छे से उनका सुरक्षित करें। और सभी को मैं यही कहूंगी कि सब घर घर में भी पौधा लगाए। और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो जिसमें जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोग बड़ी भारी मात्रा से ये त्यौहार मनाते हैं। और इस त्यौहार में यही काम करते हैं कि हरेला पर्व हर पर्वत पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद करती हूँ। कांवर यात्रा के दौरान रुड़की से लक्सर होते हुए बैरागी कैंप तक सभी वाहनों को भेजने का प्लान तैयार किया गया है। रुड़की से लक्सर तक 18 किलोमीटर के करीब 10 ड्यूटी पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिन पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग द्वारा बंदोबस्त बेहद पुख्ता किए गए हैं। 10 चेक पॉइंट्स के ऊपर 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पुलिस विभाग ने कैमरे लगाकर सभी गतिविधियों पर नजर रखने का पुख्ता इंतजाम किया है। कांवड़ियों की सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए ड्रोन का भी सहारा लिया जाएगा। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमंत सिंह नेगी ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। लक्सर क्षेत्र में सोलानी पुल से लेकर सुल्तानपुर तक 10 जगह पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सभी जगह कुल मिलाकर 100 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे, जो कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहेंगे। पूरा लक्सर जोन को लक्सर के लिए और दोनों का एक जोन बनाया गया है, जिसके सुपर जोनर श्री विमल कुमार आचार्य साहब अपर पुलिस अधीक्षक हैं। और उनके अंडर में दो इंस्पेक्टर जो है जोनल बनाए गए हैं, उसमें इंस्पेक्टर बी एस डिगी साहब और इंस्पेक्टर सलाहुद्दीन साहब जो है, दोनों जोनल बनाए गए। और इसको जो लक्सर क्षेत्र है उसको 9 सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, जो MS राय से लेकर के कटारपुर तक है। उसमें 9 दरोगा जो उनके जो सेक्टर इंचार्ज 9 दरोगा हैं, प्लस उनके अंडर में जो पुलिस फोर्स पुलिस बल लगाया गया है, जो करीब 100 से ऊपर पुलिस बल है। और जो इसकी व्यवस्था है कि कांवड़ में जो कांवड़ आएगी वो लक्सर से होते हुए सीधा बैरागी कैंप जाएगी, और जो जर भर के वो वापसी का रास्ता सीधा हाईवे रहेगा। ये आपकी प्लान बनाया गया है, इसके लिए पूरा व्यवस्था की है। सावन महीने में हरियाली, खुशहाली और समृद्धि के त्यौहार के मौके पर पूरे जनपद में लोगों ने विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने के साथ ही धरती को सजाने के लिए वृक्षारोपण कर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मिठाइयां बांटी। इसी क्रम में नारायणबगड़ बाजार और केवर गांव के नीचे भूस्खलन क्षेत्र में बद्रीनाथ वन प्रभाग के तत्वाधान में ग्रामीणों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपकर उन्हें संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के क्षेत्राधिकारी भरत सिंह नेगी, वन दारोगा मोहन प्रसाद सती ने लोगों से अधिक संख्या में पौधे लगाकर उनके संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि इस पूरे महीने में करीब 50,000 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है और लोगों को भी प्रेरित किया जाएगा कि धरती, पर्यावरण, जीव जंतु और मानव जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाए रखने के लिए
वनों का दोहन ना करें और वनों को आग ना लगाएं तथा अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करें। पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपने का केवर का जो हर वर्ष हमारे साथ हरेला में देते हैं। और जैसे कि हमारे वन क्षेत्र अधिकारी महोदय ने कहा कि पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनका संरक्षण करना ही सबसे बड़ी बात है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का भी करता हूँ और भविष्य में भी इसी प्रकार से प्रधान जी और प्रमुख साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कि इसी तरीके से हमारा हर हरेला पर्व में सहयोग प्रदान करें। और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का और आपके पत्रकार बंधुओं का भी। उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और वन विभाग की टीम द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है और जितने पेड़ यहाँ पे हर साल लग रहे हैं और ग्राम सभा वाले और आम जनता उनका संवर्धन और संरक्षण करे और गर्मी के मौसम में अगर आग न लगाए तो निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड में हरियाली होगी। पेड़ तो हम काफ़ी लगाते हैं लेकिन हम उनका संरक्षण और संवर्धन नहीं करते हैं। पंतनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी जिसे राहगीरों की मदद से ट्रैफिक का सिपाही जिला अस्पताल लेकर पहुंचा जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कार LIU स्पेक्टर की थी। रुद्रपुर में पुलिस लाइन गेट पर जबरन घुसने को लेकर विवाद से आहत होकर खुद के हाथ जलाने वाला सिपाही लक्ष्मण अचानक जिला अस्पताल से पुलिस कार्यालय पहुंच गया। झुलसे सिपाही को देख वहां तैनात पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। SSP से मिलने जा रहे सिपाही को पुलिसकर्मी ने रोककर एक कमरे में बिठा दिया जिसके बाद SSP के साथ ही सिपाही की पत्नी उसके पास पहुंच गई। दर्द से कराह रहे सिपाही ने SSP से जिला अस्पताल में इलाज ठीक ढंग से नहीं होने और विभाग द्वारा सुध नहीं लेने पर नाराजगी जताई। उसका कहना था कि डॉक्टर उसे देखने नहीं आ रहे हैं, उसे अस्पताल में लावारिस छोड़ दिया गया है। SSP ने सिपाही को पानी और जूस पिलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन कर एम्बुलेंस मंगवाई और बेहतर इलाज के लिए सिपाही को हल्द्वानी भिजवा दिया है। बता दें कि दो दिन पहले पुलिस लाइन में जबरन घुसने का लेकर विवाद के बाद कार सवार चार लोगों का ड्यूटी पर तैनात दो सिपाहियों में विवाद के बाद मारपीट हुई थी जिससे हाथ सिपाही ने खुद के हाथों में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी जिसमें उसके दोनों हाथ और सीना झुलस गया। इस मामले में चारों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। लक्सर पुलिस ने बीते दो दिन पहले तमंचे के बल पर लूट करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 78,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, 2 पर्स, घटना में इस्तेमाल जिंदा कारतूस, तमंचा बरामद किया है। लक्सर कोतवाली में पुलिस क्षेत्राधिकारी हेमेंद्र सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। हरियाली महोत्सव को लेकर प्रदेश भर में पौधे रोपे जा रहे हैं। उधम सिंह नगर मुख्यालय सहित जनपद के तमाम विभागों में वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायती राज संस्थान में भी वृक्षारोपण किया गया। परिसर में 1,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें एक साथ 500 पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान UIRD के निदेशक RD पालीवाल, उपर निदेशक हिमांशु जोशी सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे। निदेशक RD पालीवाल ने बताया कि उत्तराखंड के लोक पर्व के मद्देनजर परिसर में 1,000 फलदार वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज एक साथ 500 पौधे रोपे गए हैं, शाम तक सभी 1,000 पौधे लगाए जाएंगे। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के तहत हो रहे वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का पौड़ी विधायक राजकुमार ने शुभारंभ किया है। इस दौरान DM पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जुगडंटे, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी और तमाम यहां पर अधिकारीगण मौजूद रहे। सभी ने लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में पौड़ी के हनुमान मंदिर समेत पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने विधानसभा वासियों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है, साथ ही साथ देखभाल का संकल्प लेने की भी बात कही गई। पर्व है हमारे उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्व है और इसकी मंशा यही है कि हम अपनी जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है उसको हम किस तरह से संरक्षित करेंगे। तो उसको संरक्षण के लिए, प्रकृति को संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करते हैं और जिसका कि हम उत्तराखंड वासियों को निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और आज हमारा उत्तराखंड जो है विश्व में जो है हमेशा इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि ये जो है चारों तरफ जो है वनों से घिरा हुआ हरा भरा रहने वाला प्रदेश है और यहाँ
सबसे ज़्यादा सुंदरता जो है प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से ही है। तो इसको संरक्षित करने के लिए हर साल हम इस माध्यम से, इस पर्व से जो है, हरियाला पर्व के माध्यम से वृक्षारोपण करते हैं ताकि हमारे वन जो है सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। विभिन्न क्षेत्रों से चोरी हुई बिजली की मोटरों का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि चोरी का अविलंब खुलासा किया जाए। इसी के मद्देनजर अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने काशीपुर में पुलिस टीम का गठन कर चोरियों को खुलासा करने के दिशा निर्देश दिए। इसी का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पानी की मोटर जो चोरी हो रही थी उसके खुलासे को लेकर एक टीम का गठन किया। टीम में सुराग रस्सी करते हुए चोरियों के खुलासे के लिए पुलिस टीम लग गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की मोटर बरामद कर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फरुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में एक महिला से पड़ोसी दबंग ने बदसलूकी की है और महिला का कहना है कि उस पर वो गलत नजर भी रखता था। कई बार महिला के विरोध करने पर आरोपी ने गाली गलौज की। महिला का पति बाहर रहकर नौकरी करता है। महिला अपने 5 साल के बेटे के साथ घर पर अकेली रहती है। महिला का जेठ गलत नजर से देखता है। महिला को काफी बार अकेला समझकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई है, लेकिन महिला वहां से बचकर निकल आई। उसके बाद आरोपी दबंग युवक ने महिला को अकेला समझकर पकड़ लिया, महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और महिला के साथ छेड़छाड़ की। महिला ने चिल्लाया है। आरोपी महिला को किसी को बताने पर धमकी दी है जान से मारने की। इसकी शिकायत लेकर वो थाने पहुंचे, लेकिन थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर वो धरने पर बैठ गई है। नजीबाबाद सपा विधायक तस्लीम अहमद का लोगों ने घेराव कर अपने गुस्से का इजहार किया है। बिजली का ट्रांसफार्मर न बदलने से नाराज लोगों ने सपा विधायक तस्लीम अहमद का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक तस्लीम अहमद ने लोगों के साथ बदसलूकी की। भीषण गर्मी के कारण पिछले 4 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ट्रांसफार्मर बदलने की क्षेत्रवासी लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों ने जमकर हंगामा काटा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। एक फरार बताया जा रहा है, जिसके पास से 315 बोर का तमंचा, एक पिस्तल और 8 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो कि चोरी की बताई जा रही है। मुठभेड़ में शरद गोस्वामी गैंग के 2 बदमाश अरशद और शाहरुख गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाश अरशद थाना दिल्ली गेट से गैंगस्टर में वॉन्टेड है। फतेहपुर जिले के प्रधान संगठन में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब जिले के प्रधानों को ये जानकारी हुई कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन के मुखिया अशोक जादौन का फतेहपुर में कुछ समय के लिए विश्राम होगा। मामला यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जिले के जीटी रोड स्थित गुरु पैलेस होटल में प्रधान संगठन की समस्याओं को अवगत कराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, जिसमें जिले के तमाम प्रधान इकट्ठा हुए। प्रदेश अध्यक्ष का सभी प्रधानों ने माल्यार्पण किया, स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से रूबरू होते बताया कि इसके पहले भी पार्टियों में पंचायत प्राकोष्ठ का गठन होता था और पार्टी अपने ही पदाधिकारियों की नियुक्ति करती थी, लेकिन इस बार भाजपा पूरे प्रदेश में पंचायत प्राकोष्ठ में प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष बना दिया है। वहीं गंगोत्री धाम में गंगा जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के पैदल रास्ते के नीचे दीवार पर भू कटाव हो रहा है, जिससे पैदल रास्ते सहित आसपास बने भवनों को बड़ा खतरा बना हुआ है। गंगा के जलस्तर से हो रहे कटाव के कारण पैदल रास्ते के नीचे बनी दीवार कभी भी गिर सकती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गंगोत्री के रावल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि गंगोत्री में बड़े पत्थर के पास हो रहे कटाव के कारण बड़ा खतरा बना हुआ है। संदर्भ में जिला प्रशासन को पहले ही बताया जा चुका था, लेकिन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंगोत्री धाम के रावल तीर्थ पुरोहित राजेश निमान ने जिला प्रशासन से तत्काल यहां पर सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग भी की है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गंगोत्री धाम में पैदल रास्ते के लिए भी जगह नहीं बची है। पत्थरों का कटान लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है। लगातार पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात हो रही है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देखेंगे, जलस्तर बढ़ने से लोग परेशान हैं। पैदल रास्ता भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोई भी बड़ी घटना यहां पर हो सकती है। बताया जा रहा है कि पहले ही प्रशासन को इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी और कार्रवाई करने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।